मानसून के उत्तराखंड में दस्तक के साथ ही मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया। नैनीताल में बोल्डर गिरने से लोगों की जान बच गई, तो दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। मौसम विभाग की ओर से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून पहुंचने के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर मानसून पूरे प्रदेश में छा गया है। नैनीताल में गुरुवार को सुबह 5 घंटे लगातार बारिश होने से झील के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर कृष्णापुर मार्ग पर बुधवार रात बोल्डर गिर गए। मार्ग पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा, इससे आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। जबकि सुबह शहर में घना कोहरा भी छाया रहा, जिसके बाद दोपहर तक लगातार बारिश हुई। जिला आपदा केंद्र के मुताबिक 24 घंटे में 95 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मुक्तेश्वर में 38 मिलीमीटर पानी बरसा। हल्द्वानी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।